हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग क्रोशिया बाय संजू। आज मैं आपके लिए कार्डिगन बनाकर लाई हूँ जो आपसे शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कार्डिगन 4 से 5 इयर्स के बच्चे के लिए मैं बनाई हूँ। 4 से 5 इयर्स के बच्चे में बहुत ही अच्छी ये साइज आएगी। देखिए इस तरह की मैं डिजाइन डाली हूँ। देखिए यहाँ से मैं डिजाइन डालना स्टार्ट की हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर ये डिजाइन लग रही है। देखिए इस तरह से कर्व होते हुए फ्लावर की तरह ये डिजाइन बनी हुई है। पूरी कंप्लीट करने के बाद देखिए मैं डोरी बनाकर इसमें ऐड कर ली हूँ। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको मेजरमेंट करके आपको मैं बताती हूँ। देखिए इसकी लंबाई जो है देखिए 19 इंच आ रही है। देखिए 19 इंच है। उन जो स्ट्रेचबल होती है देखिए धोने के बाद ये पूरी 20 पर आएगी है। थोड़ी सी लंबाई बढ़ेगी। और देखिए इसकी चौड़ाई जो है इसकी चौड़ाई देखिए 40 इंच है। आप अगर इसको और लंबी बनाना चाहती हैं तो इसको लंबी भी बना सकती हैं। जैसे कि आप सरक की तरह यूज करना चाहती हैं आप, तो इसे इसकी लंबाई थोड़ी सी और बढ़ा लेंगे तो सरक की तरह आप इसे यूज कर सकती हैं। अगर आप कार्डिगन की तरह यूज करना चाहती हैं तो 4 से 5 इयर्स के बच्चे के लिए लंबाई बहुत ही अच्छी साइज है। तो फ्रेंड्स देखिए ये डिजाइन जो है यहाँ से मैं बनाना स्टार्ट की हूँ। और फ्रेंड्स देखिए ये कार्डिगन की वीडियो में 3 पार्ट में बनाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये जो है बॉर्डर किस तरह से बनती है बॉर्डर बनाना स्टार्ट करूंगी, और ये डिजाइन जो है किस तरह से डलती वो मैं बनाना बताऊंगी फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैं आपको गले और बाजू का शेप बनाना मैं बताऊँगी कि गले और बाजू का शेप किस तरह से बनेगी। और फ्रेंड्स आपको थर्ड पार्ट में ये डोरी में बनाना बताऊँगी कि डोरी किस तरह से बनेगी। देखिए बहुत ही सुंदर ये डोरी लग रही है, कार्डिगन बहुत ही अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स ये मैं थर्ड पार्ट में बनाना मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट की हूँ बनाने के लिए। एक कार्डिगन आप इससे बड़ी बनाना चाहती हैं या फिर छोटी बनाना चाहती हैं तो आप इसको बहुत आसानी से बना सकती हैं। जैसे कि देखिए एक कार्डिगन मैं थोड़ी सी अलग तरीक़े से मैं बनाई हूँ। जैसे कि चैन बनाकर मैं जितनी चौड़ाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप चैन बना लेती हैं, उसके बाद बॉर्डर बनाती हैं। इसमें मैं यहाँ से चैन बनाकर मैं बॉर्डर बनाई हूँ। जैसे कि इसमें मैं 8 चैन बनाई हूँ। 8 चैन बनाने के बाद इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाई हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया में ये जो है डिजाइन बनी हुई है। तो मैं पूरी 6 डबल क्रोशिया की बॉर्डर में रखी हूँ। अगर आप इसे चौड़ी बॉर्डर रखना चाहती हैं तो आप यहाँ पर बढ़ा सकती हैं। जैसे कि आप 6 की जगह आप 7 रख सकती हैं, 8 रख सकती हैं, 9 रख सकती हैं, आप इसमें 10 भी रख सकती हैं। 10 तक बहुत ही अच्छी आएगी इसमें। और देखिए यहाँ पे भी मैं 5 डबल क्रोशिया की मैं बॉर्डर बनाई हूँ। देखिए यहाँ पे गले पे भी मैं 5 डबल क्रोशिया की बॉर्डर बनाई हूँ। और फ्रेंड्स देखिए इसे छोटी और बड़ी बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका इसमें है। आप छोटा और बड़ा आराम से बना सकती हैं। तो देखिए इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग आप पहले पट्टी बना लेंगी। जैसे कि आप तोरण वगैरह का पट्टी बनाती हैं सेम उसी तरह इसको भी पट्टी बना लेनी है। पट्टी बनाने के बाद जो है ये डिजाइन डालना है। मैं पहले पट्टी बना ली हूँ, उसके बाद मैं डिजाइन डाली हूँ। फ्रेंड्स ये कार्डिगन के जो बॉर्डर है और ये डिजाइन है इसकी वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैं बताऊँगी आपको। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप मेरी वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकेंगे। आइए देखिए फ्रेंड्स ये कार्डिगन की मैं फर्स्ट पार्ट की वीडियो में बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए किस तरह से बनती है। इसको पहले मैं साइड कर लूँगी। इसके लिए मैं देखिए 11 नंबर की मैं क्रोशिया यूज कर रही हूँ। और देखिए पिंक कलर का ऊन ली हूँ, लाइट पिंक कलर की है। और 4 प्लाई के मैं ऊन यूज कर रही हूँ। पहले मैं देखिए इस तरह से गांठ लगा लूँगी। इसके बाद मैं देखिए 8 चैन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए 8 चैन में बना ली हूँ। इसके बाद देखिए डबल क्रोशिया फर्स्ट सेकंड चैन छोड़कर थर्ड चैन में कुछ डालूँगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसके बाद देखिए 4 चैन में कुछ डालूँगी, डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 5th चैन में कुछ डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से 6th चैन में कुछ डालूँगी, डबल क्रोशिया बनाऊँगी,
और लास्ट में देखिए सेवन चैन में इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए इसमें मैं सिक्स डबल क्रोशिया बनाई हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 सिक्स डबल क्रोशिया मैं बना ली हूँ। अब मैं बैक साइड से इस तरह से पलट लूँगी, देखिए इसके बाद मैं थ्री चैन बनाऊँगी। अब देखिए डबल क्रोशिया, यहाँ पे फर्स्ट चैन में कुछ डालूँगी उससे डबल क्रोशिया बनाऊँगी, सेकेंड चैन में कुछ डालूँगी डबल क्रोशिया बनाऊँगी, थर्ड चैन में कुछ डालूँगी डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फोर्थ चैन में कुछ डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाई हूँ और लास्ट में देखिए यहाँ पे मैं कुछ डालूँगी लास्ट चैन में से डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए इस तरह से सिक्स डबल क्रोशिया के मैं बॉर्डर बना रही हूँ, जैसे कि मैं देखिए नीचे की बॉर्डर में बनाई हूँ, देखिए ये वाला जो बॉर्डर बनाई हूँ ये मैं बना रही हूँ, ये मैं सिक्स डबल क्रोशिया की मैं बॉर्डर बना रही हूँ, जैसे कि मैं सिक्स चैन के डबल क्रोशिया बना रही हूँ। आप ये जो बॉर्डर है अगर आप इसको चौड़ी और रखना चाहती हैं तो यहाँ पर सेवन डबल क्रोशिया एट डबल क्रोशिया इस तरह से आप बॉर्डर आप इसमें रख सकती हैं, या फिर कोई और डिज़ाइन भी आप डाल सकती हैं बॉर्डर में। आप देखिए जैसे कि आप चैन से स्टार्ट करती हैं, नीचे से जैसे चैन बना ली हैं उसके बाद बॉर्डर बनाए, मैंने उस तरह से एक कार्डिगन में नहीं की हूँ, एक कार्डिगन में अलग तरीक़े से मैं बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से पूरी लंबी मैं बॉर्डर बना ली हूँ। इसकी चौड़ाई में मेजरमेंट करके मैं आपको बताती हूँ, देखिए इसकी चौड़ाई में देखिए यहाँ से मैं मेजरमेंट करूँगी, देखिए 28 इंच में इसकी चौड़ाई रखी हूँ बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों तरफ मिलाकर। देखिए इस तरह से बॉर्डर बनाते हुए जितनी आपको चौड़ाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप ये इस तरह से बॉर्डर कंप्लीट कर लें। तो मैं देखिए छोटी सी पैटर्न मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, जैसे कि मैं बॉर्डर बना लूँगी और इसमें टू डिज़ाइन जो है टू पैटर्न मैं आपको बनाकर इसमें दिखाऊँगी। देखिए इस तरह से थ्री चैन बना लूँगी और इस तरह से देखिए बॉर्डर मैं कंप्लीट कर लूँगी बनाकर। ये सिंपल बॉर्डर है, सेम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करनी है, जितनी लंबाई आपको रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप ये बॉर्डर कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन रो में बॉर्डर कंप्लीट कर ली हूँ। नाइन रो में देखिए इसमें टू पैटर्न ये डिज़ाइन बनेगी, ए वन टू और ए, यहाँ पे मैं फाइव डबल क्रोशिया की बॉर्डर बनाई हूँ, ये फाइव डबल क्रोशिया में बॉर्डर बनेगी। देखिए इसकी चौड़ाई देखिए यहाँ तक इस तरह से आ रही है, देखिए तो इसकी पैटर्न की मैं आपको मेजरमेंट करके आपको दिखा रही हूँ, जिससे कि देखिए यहाँ से वन पैटर्न जो है वन पैटर्न देखिए 1 इंची 2 पॉइंट देखिए यहाँ पे आ रही है, तो मैं वन पैटर्न एक कंप्लीट हुई है। अगर आप इसको इसी तरह से छोड़ सकती हैं, जैसे ये जो बॉर्डर है ये आपको जितनी चौड़ाई बना रही हैं इससे आपको ये चौड़ाई जितनी रखनी है इसकी चौड़ाई उसके अकॉर्डिंग आप बना लें, या फिर आप इसी तरह से आप इसको छोड़ दें। जैसे कि ये आप पैटर्न डालती हैं तो पैटर्न में जैसे 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया इस तरह से घट जाती है जैसे डिज़ाइन डालते हुए, तो आप यहाँ पे वन रो और बढ़ा लेंगी ताकि ये सही बनेगी। तो इसको मैं देखिए इसी तरह से छोड़ दूँगी, धागे को मैं यहीं पे छोड़ दूँगी और यहाँ से मैं ज्वाइंट करूँगी। देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी, यहाँ पे मैं दूसरी ऊन ज्वाइंट कर लूँगी। देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पे क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से गांठ लगा कर मैं ज्वाइंट कर लूँगी। इसके बाद 1 2 3 चैन बनाऊंगी और देखिए डबल क्रोशिया इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बना लूंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डाल रही हूँ और देखिए डबल क्रोशिया बना लूंगी। इसके बाद देखिए देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं टू चैन बनाऊँगी, 1 2 दोबारा देखिए इसी जगह पे क्रोशिया डालूँगी
और डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए ये टू चैन बनाकर मैं गैप छोड़ती हूँ जिसमें कि मैं डिजाइन बनाऊँगी। इसके बाद देखिए देखिए ये जो जॉइंट है यहाँ पे वन डबल क्रोशिया बनाऊँगी और देखिए ये जो डबल क्रोशिया बनाऊँ यहाँ पे मैं टू डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इस तरह से मैं बना रही हूँ। इसके बाद देखिए वन टू थ्री फोर, देखिए फोर डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी और देखिए यहाँ पे देखिए ये जो जॉइंट है इसमें मैं डबल क्रोशिया नहीं बनाई हूँ, यहाँ पे मैं गैप छोड़कर थोड़ी सी यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बना ली हूँ। दोबारा देखिए इसी जगह पे क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बना लूँगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं जॉइंट के पास क्रोशिया डालूँगी, डबल क्रोशिया बनाऊँगी और इसके बाद यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए वन टू चैन बनाऊँगी, दोबारा देखिए इसी जगह पे क्रोशिया डालूँगी और देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी, देखिए इस तरह से। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे मैं टू चैन बनाकर गैप छोड़ी थी सेम उसी तरह देखिए यहाँ पे भी मैं टू चैन बनाकर गैप छोड़ी हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी, देखिए वन टू थ्री फोर डबल क्रोशिया बनाई हूँ। इसके बाद देखिए ये यहाँ पे मैं गैप छोड़ दूँगी और यहाँ देखिए जॉइंट है यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी, देखिए वन टू थ्री फोर, देखिए फाइव डबल क्रोशिया मैं बना ली हूँ जैसे कि मैं बॉर्डर बनाऊँगी। जैसे कि ये वाला जो है देखिए ये जो है यहाँ से बॉर्डर बनते हुए इस तरह से सीधी बनती जाएगी, इस तरह से देखिए यहाँ पे मैं फाइव डबल क्रोशिया की मैं बॉर्डर बनाऊँगी। इसके बाद में देखिए बैक साइड से मैं पलट लूँगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए वन टू थ्री चैन बनाऊँगी और यहाँ पे मैं फाइव डबल क्रोशिया बनाऊँगी, देखिए वन टू थ्री फोर और देखिए एक चैन वाला, देखिए फाइव चैन में फाइव डबल क्रोशिया में बना ली हूँ। इसके बाद में देखिए यहाँ पे वन टू चैन बनाऊँगी और देखिए ये मैं टू चैन बनाकर गैप छोड़ी थी, यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी, देखिए इस तरह से। इसमें मैं एट डबल क्रोशिया बनाऊंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, देखिए एट डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद देखिए वन टू चैन बनाऊंगी और देखिए यहाँ पे मैं देखिए वन टू थ्री फोर डबल क्रोशिया में छोड़कर देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी गैप दी थी, यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया इस तरह से ज्वाइंट कर लूँगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद टू चैन बनाऊँगी और देखिए यहाँ पे मैं टू चैन बनाकर गैप छोड़ी थी तो इसमें मैं क्रोशिया डालूँगी, इससे डबल क्रोशिया बना लूँगी। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे मैं एट डबल क्रोशिया बनाई हूँ सेम उसी तरह से यहाँ पे भी मैं एट डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए एट डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद वन टू चैन बनाऊँगी अब देखिए लास्ट में यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए वन टू चैन बनाऊँगी, देखिए इसके बाद मैं देखिए बैक साइड से पलट लूँगी, देखिए सेम इसी तरह से बना रही हूँ जैसे कि मैं इसमें बनाई हूँ। जैसे कि देखिए ये ऊन में यहाँ पर मैं छोड़ दी थी, अगर आप इसमें जैसे कार्डिगन बनाते हैं जितने बॉर्डर रखनी है चौड़ाई उसके बॉर्डर ये जो है लंबी बना लेंगी, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगी
ये चौड़ाई में आ जाएगी इस तरह से फ्रंट साइड और बैक साइड से। तो देखिए मैं बैक साइड से प्लॉट लूँगी, देखिए ये बैक साइड है और देखिए ये जो है फ्रंट साइड है। तो यहाँ पे मैं देखिए टू चेन बनाई हूँ। इसके बाद देखिए इस तरह से मैं कुछ डालूँगी अंदर की ओर से और देखिए इस तरह से डबल क्रोशिए बना लूँगी। देखिए 1, 2, 3, 4 देखिए इसमें 8 डबल क्रोशिए में बनाई थी तो इसमें 4 डबल क्रोशिए इस तरह से बना लूँगी। इसके बाद मैं 2 चैन बनाऊँगी 1, 2 जैसे कि मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं 2 चैन बनाकर गैप छोड़ी थी सेम उसी तरह से। और इसके बाद में देखिए 4 डबल क्रोशिए इस तरह से मैं अंदर से की ओर से क्रोशिए डालते हुए मैं 4 डबल क्रोशिए बना लूँगी। देखिए इस तरह से वन टू थ्री 4 डबल क्रोशिए में बना ली हूँ। इसको आप देखिए फ्रंट साइड से इस तरह से डिजाइन बन रही है। इसके बाद में यहाँ पे मैं चैन नहीं बनाऊँगी, इसको डबल क्रोशिए देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिए डालूँगी और इस तरह से डबल क्रोशिए बना लूँगी। देखिए 4 डबल क्रोशिए बनाऊँगी पहले मैं इस तरह से, सिर्फ इतने ध्यान रखनी है ये कुर्सी देखिए इस तरह से अंदर की ओर से डालनी है। जैसे कुर्सी इस तरह से डाल सकते बनाती हूँ पर कुर्सी इसमें इस तरह से अंदर से डालेंगी तो ये जो चैन बन रही है चैन देखिए फ्रंट साइड से ये डिजाइन बन जाएगी। देखिए इस तरह से देखिए 4 डबल कुर्सी बना ली हूँ। इसके बाद 2 चैन बनाऊंगी, इसके बाद मैं 4 डबल क्रोशिए इस तरह से बना लूँगी 1, 2, 3, 4 देखिए इस तरह से। और यहाँ पे भी मैं चैन नहीं बनाऊँगी, देखिए यहाँ 5 चैन है, 5 चैन में 5 डबल क्रोशिए बना लूँगी 1, 2, 3, 4, 5 देखिए 5 डबल क्रोशिए बना ली हूँ। अब इसे मैं फ्रंट साइड से इस तरह से पलट लूँगी। देखिए फ्रंट साइड से सेम डिजाइन में इस तरह से बनाती हूँ, देखिए जैसे कि मैं इसमें बनाई थी, देखिए इस तरह से बन रही है ये बॉर्डर। जैसे कि मैं दोनों तरफ से मैं बॉर्डर यहाँ पे मैं बना ली हूँ, एक साइड इसमें मैं बॉर्डर बनाई हूँ, जैसे कि आप बनाएंगी तो दूसरे साइड भी बॉर्डर आप बना लेंगी या फिर आप इसको अलग अलग पार्ट में भी बना सकते हैं। जैसे कि फ्रंट साइड का 2 पार्ट अलग बना लेंगी और बैक साइड का अलग बना लेंगी, उस तरह से आप बना सकती हैं। यहाँ पे मैं 3 डबल देखिए यहाँ पे मैं 3 चैन बनाऊंगी और 5 चैन में 5 डबल क्रोशिए बनाऊंगी 1, 2, 3, 4 और ये देखिए चैन वाली 5 डबल क्रोशिए बना ली हूँ। इसके बाद मैं 1, 2 चैन बनाऊँगी। देखिए यहाँ पे मैं 2 चैन बनाकर गैप छोड़ी थी तो यहाँ पे मैं 8 डबल क्रोशिए बनाऊँगी। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं सेकेंड रो में 8 डबल क्रोशिए बनाई थी सेम उसी तरह से यहाँ पे मैं 8 डबल क्रोशिए बनाऊँगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखिए 8 डबल क्रोशिए बना ली हूँ। इसके बाद 1, 2 चैन बनाऊँगी और यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिए इस तरह से बना लूँगी। इसके बाद 1, 2 चैन बनाऊँगी और देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिए डालूँगी और 8 डबल क्रोशिए बनाऊँगी। देखिए 8 डबल क्रोशिए बना ली हूँ। इसके बाद 1, 2 चैन बनाऊंगी
अरे यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लूँगी मैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डिज़ाइन बन रही है। देखिए फर्स्ट वाली डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है और देखिए इसके बाद में बैक साइड से यहाँ पे मैं थ्री चैन बना लूँगी और डबल क्रोशिया देखिए इस तरह से क्रोशिया डालूँगी इस तरह से बैक साइड से। देखिए क्रोशिया इस तरह से हमेशा ये बैक साइड से सब कुछ डालकर इस तरह से फोर चैन में फोर डबल क्रोशिया में बना लूँगी। इसके बाद वन टू चैन बनाऊँगी और फोर चैन में फोर डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए इस तरह से बन रही है। सेम इसी तरह से ये डिजाइन जो है बनती जाएगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डिजाइन बन रही है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है डिजाइन। देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से बनेगी ये। आप कार्डिगन जितने बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहती हैं उसके अकॉर्डिंग आप बना सकती हैं। जैसे कि ये जो मैं बॉर्डर बनाई हूँ इसकी चौड़ाई आप जितनी रखना चाहती हैं आप रख सकती हैं। इसके बाद आप ये डिजाइन डालेंगी। तो फ्रेंड्स ये मैं कार्डिगन की वीडियो में थ्री पार्ट में बना रही हूँ। देखिए फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बनाई हूँ ये छोटा सा पैटर्न मैं आपको बनाकर मैं आपको बताई हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो में आपको मैं ये बताई हूँ जैसे कि आप स्टार्टिंग किस तरह से करेंगी और ये डिज़ाइन किस तरह से डालेंगी ये मैं आपको बनाना बताई हूँ। ये कार्डिगन में देखिए कहीं भी मैं जॉइंट नहीं करूँगी। देखिए एक साथ ही मैं फ्रंट साइड और बैक साइड का भी पार्ट में बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप इसे अगर अलग अलग पार्ट बनाना चाहती हैं तो अलग अलग पार्ट भी बना सकती हैं। जैसे कि मैं देखिए छोटा सा मैं पैटर्न बनाई हूँ। देखिए बॉर्डर के साथ में मैं बनाई हूँ तो आप इसमें थ्री फोर फाइव इस तरह से जो है डिज़ाइन रख लेंगे जितने आपको चौड़ाई रखनी है। जैसे कि छोटे बनाना बच्चे की बनाना चाहती हैं तो इसके लिए थ्री फोर इस तरह से रखेंगी। बड़े बनाना चाहती हैं तो फाइव सिक्स इस तरह से पैटर्न या फिर रखेंगी। तो इस तरह से आप ये पैटर्न रखेंगी और देखिए ये जो मैं बॉर्डर बनाई हूँ सेम इस तरह से बॉर्डर बना लेंगी। तो इस तरह से आप रखेंगे तो देखिए एक साइड की पार्ट इस तरह से बन जाएगी और सेम इसी तरह से दूसरी साइड का भी पार्ट बना लेंगी और बैक साइड का ये बॉर्डर आप नहीं बनाएंगी और ये डिज़ाइन जितनी आपकी चौड़ाई रखनी है उतनी ये डिज़ाइन उसके अकॉर्डिंग आप बना लेंगी। तो फ्रेंड्स आप इसे अलग अलग पार्ट भी बनाकर इसमें ज्वाइन कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट पार्ट के वीडियो में कंप्लीट कर ली हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपको बनाना स्टार्टिंग किस तरह से बनती हूँ मैं बताई हूँ। और फ्रेंड्स देखिए ये मैं देखिए फ्रेंड्स सेकंड पार्ट में मैं आपको इसमें गले और बाजू किस तरह से शेप निकलेगी उसकी वीडियो में बनाऊंगी सेकंड पार्ट में आपको। और थर्ड पार्ट में इसको मैं पूरी कंप्लीट करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट पार्ट की वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट की वीडियो आप ज़रूर देखें। आप इसे जो डिज़ाइन है कार्डिगन आप ज़रूर बनाएं ट्राई करें। और फ्रेंड्स बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए या फिर मेरी फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकती हैं। और फ्रेंड्स मेरी फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।